कि हमारे ऐप में भी ये शो हो रही है, नहीं यहाँ से मैं अपना ऐप ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम ये करते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करते हैं, क्योंकि हमने अभी तक $1 की आईडी पेस्ट की है। तो ये मैं क्या करता हूँ, 2345 को यहाँ से फ़िलहाल हाइड करता हूँ और यहाँ पर ऐप को हमारी रन देख लेते हैं, क्या हमारे ऐप में शो हो रही है या नहीं शो हो रही। ये हमारे पास ऐप ओपन हो गई है हमारी योगा होम के नाम से। जैसे ही मैं जाता हूँ डोनेट में तो आप देखते हैं कि यहाँ पर $1 का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सक्सेसफुली हमें कह रहे हैं कि आइटम यू रिक्वेस्टेड इज़ नॉट अवेलेबल फॉर परचेज। इसका हम बाद में सोल्यूशन करेंगे कि ये क्यों आ रहा है, फिलहाल हम चलते हैं कि हम बाकी आईडीज़ को भी ऐड कर लेते हैं, फिर इसका देखते हैं कि ये क्यों आ रहा है और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। यार ये प्रोडक्ट ऐड हो गए, इसी तरह से आपने चार प्रोडक्ट और बना के इसमें ऐड कर लेने। तो मैं जल्दी से प्रोडक्ट बना लेता हूँ दोबारा से, फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट कर। यहाँ पर मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स थे डोनेट $1 $2 $3 $4, तो मैंने चार प्रोडक्ट बनाई, आप और भी बना सकते हैं। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर हमने ये वाले $1 $2 $3 $4 ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पर इसको रन करके चेक करते हैं कि क्या हमारे मोबाइल में ये ऐप रन हो रही है या नहीं हो रही, तो हमको इस चीज़ का भी पता लग जाएगा। तो अभी ये योगा होम यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, ये ओपन हो गई। अब देखते हैं क्या हमारी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ रही है या नहीं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ डोनेट के ऑप्शन पे, तो आप देख सकते हैं $1 $2 $3 $4 चार प्रोडक्ट्स आ रही हैं। अब हमने बाद में इसको कस्टमाइज करने, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल जैसे आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, कहते हैं कि दिस कोरियन एप्लीकेशन इज़ नॉट कन्फ्यूगर, ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपने क्या करना है, इसको क्योंकि हम ये अभी डिबग मोड में यूज़ कर रहे हैं तो इस वजह से ऑप्शन आ रहा है। अब हमने इसकी दोबारा से एक और एपीके जनरेट कर देनी है और दोबारा से उसको गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश करना है। अब वो देखते हैं हमने वो किस तरह से करना है, तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हम इसके अंदर न्यू एपीके यहाँ से न्यू बिल्ड यहाँ पर जनरेट कर लेंगे फाइल ए बी, और इसको दोबारा से अपलोड कर देंगे प्ले स्टोर में। और फिर हम देखते हैं कि हमने जैसे हम अब दोबारा से फिर उसको वहाँ पर अपलोड करके फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना नेक्स्ट। मेरे पास इसकी रिलीज़ बन चुकी है, अब देखते हैं हमने इसको अपलोड करने के लिए दोबारा से इंटरनल टेस्टिंग के ऑप्शन पर चले जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ऊपर मिल जाएंगे क्रिएट न्यू रिलीज़, इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर एक न्यू रिलीज़ अपलोड करनी है। लेकिन फ्रेंड एक चीज़ को आपने ध्यान रखने के, जो आपका पैकेज नेम कह रहा हूँ, यहाँ पर जो आपके पास वेरिएंट कोड था, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएंट कोड 9 है, तो आपने इसको चेंज करके एक वेरिएंट कोड बढ़ा देना और वेरिएंट नेम को 1.1, इन दोनों को चेंज करके दोबारा से हम बनाकर फिर इसको अपलोड करना है। अदरवाइज आपकी अपलोड नहीं होगी, आपको एरर आएगा। हमारे पास न्यू वेरिएंट कोड के साथ भी ये हमारे पास बिल्ड हो चुकी है। अब हमने अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारे पास वही लिंक है, तो इस फाइल को मैंने अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड हो जाएगी और सिंपली अभी कुछ नहीं करना, ये अपलोड हो जाए फिर नेक्स्ट इसको देखते हैं। न्यू वेरिएंट अपलोड हो गया। अब यहाँ पर रिव्यू रिलीज़ का बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास स्टार रोल आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसको रोल आउट कर देते हैं। हमारे न्यू वेरिएंट अपलोड हो गया प्ले स्टोर पर, तो ये देख सकते हैं। अब हमने जाना है किस तरह से इसको कॉपी करना है, ये वाला वेरिएंट अपलोड किया टेस्टर पर जाना है। टेस्टर पर जाने के बाद यहाँ पर जो भी ईमेल यहाँ पर आपने लगाए होंगे उन्हीं जीमेल पर आपका प्ले स्टोर अकाउंट बना होगा, सिर्फ उनके पास ही वर्क करेगी। तो मेरे पास कुछ लिंक इस तरह से आ रहा है, यहाँ वाला ये वाला कोड आपने अपने मोबाइल पर जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ से मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल पर कुछ इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपने डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले बटन पे क्लिक कर देना है और मैं यहीं से अपने मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली इसको चला दूंगा। तो देख सकते हैं इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। तो हमारे मोबाइल पर ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये वाला ऐप मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर क्योंकि अनरिव्यूड आ रहा है, क्योंकि हमने कोई भी इसका रिव्यू नहीं किया हुआ और यहाँ पर कुछ भी नीचे ऑप्शन शो नहीं हो रहा होगा, सिर्फ इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका कोई लोगो नहीं होगा क्योंकि ये टेस्टिंग पर है इस वक्त, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल हो जाता है हम इसको ओपन करके नेक्स्ट देखते हैं हमने इसका क्या करना है। हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और यहाँ से हम इसको कर लेंगे ओपन। डोनेट $1 $2 $3 $4 के कर दिए थे ऐड, तो इसको मैंने ऐप में भी ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने क्या किया था कि लास्ट टाइम इसकी जो ए फाइल बना करना, हमने ए भी फाइल इसमें अपलोड कर दी थी इंटरनल टेस्टिंग में, तो वो भी यहाँ पर अपलोड हो गई है, मैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने टेस्टर के लिंक को कॉपी करना है। तो फ्रेंड मुझे एक इशू यहाँ पर आया है जो कि मैं आपको बाद में बता देता हूँ ताकि आपने इससे परेशान नहीं होना। जैसे ही मैंने इसमें न्यू फाइल अपलोड की, वहाँ पर ऑप्शन जो नीचे आ रहा था ना कि दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल, तो मुझे भी आ रहा था, तो मैंने कहा कि अभी वेट करता हूँ। तो फिर मैंने वीडियो वहाँ से चलाई नहीं, वीडियो मैंने स्टॉप कर दी उस पर। लेकिन अब तकरीबन 3 to 4
आवर्स हो गए हैं, अब मैं उसी ऐप को ओपन करता हूँ आपके सामने, तो आप देखेंगे 100% वॉल वाले जो एरर है वो खुद ब खुद ही फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेता है। अब जिस पे क्लिक करने पर जो पहले एरर आ रहा था आप देखेंगे वो ख़त्म हो गया और यहाँ पर आ रहा है डोनेट $3, ठीक है। अगर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो डोनेट $1, 4 पे क्लिक करते हैं तो डोनेट $4 आ रहा है। तो आपका जो सक्सेसफुली इस वक्त जो ऐड हो चुका है ऑप्शन गूगल प्ले की लाइब्रेरी, इसमें 100% ऐड हो चुकी है। अब नीचे बाय का आपको नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये इसको मैं छोटा करता हूँ जी, ये देख सकते हैं ठीक है। यहाँ पर आपको वन टैप बाय का ऑप्शन मिलता है, लेकिन जैसे वन टैप बाय के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेसिंग हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा कार्ड है उसमें तो कुछ भी नहीं होगा, जिस वजह से मे भी पेमेंट अनसक्सेसफुल है, ठीक है, हमारा कार्ड डिक्लाइन है। तो अब इसमें आपने एक कार्ड होता है जो कि दूसरा कार्ड होता है, आप क्या कह सकते हैं उनको, टेस्ट कार्ड, वो इसमें किस तरह से ऐड करना है हम वो देख लेते हैं, ताकि फिर हम यहाँ से टेस्ट कर सकें। उसके लिए आपने करना ये होता है कि आपने सिंपल मोनेटाइजेशन सेटअप में तो नहीं आना होता, यहाँ से सिंपल आपने आना चले जाना होता है यहाँ पर, यहाँ से हम आ जाते हैं ऐप कंटेंट, फ्रेंड्स जो कि हमने सर्च यहाँ पर आगे सर्च कर लेना, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपने सर्च कर लेना लाइसेंस, तो यहाँ पर आपको लाइसेंस टेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सेटअप के अंदर आकर देखेंगे तो लाइसेंस टेस्टिंग है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे कह रहे कि लाइसेंस टेस्टर ऐड करें, तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड नॉर्मली रहने देना, और जो आपका वही जी मेल जिस पर आपने हमने पहले ऐड किया था, अगर आपने पुरानी वीडियो हमारी देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो यहाँ पर आपने वही जी मेल ऐड करना है जिस पर आपका गूगल अकाउंट इस वक्त लॉग इन है, क्योंकि ये उसी जी मेल पर एक्टिव होगा। तो ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर उसके बाद एंटर पर क्लिक कर देना है। तो ऐड होने के बाद आपने क्या करना है, नीचे सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। तो हम देखते हैं क्या अभी हमें इशू हो गया, अगर तो ये अभी इशू हो जाएगा तो फिर ठीक है, नहीं तो इसको भी टाइम लगता है थोड़ा सा, तकरीबन ये भी 2 से 3 घंटे ले लेता है, उसके बाद ये दोबारा से आपके ऐप पर वर्क करेगा। और अगर आपने इसको इंस्टेंट वर्क करवाना है तो आपने अपने प्ले स्टोर का जो कि डाटा है उसको क्लियर करके दोबारा से उसमें लॉग इन करना है, लेकिन मैं तो क्लियर नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें मेरा काफ़ी डाटा लॉस हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसका वेट कर लूँगा। आपने भी 2-3 आवर वेट कर लेना अगर आपके पास ये कार्ड का ऑप्शन आए, तो मेरे पास अभी तक कोई भी कार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं वेट करता हूँ जब तक मेरे पास ऑप्शन नहीं आता, और जिस तरह से ऑप्शन आएगा, मैंने एक और ऐप पर ये लगाया था सेम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने एक अगर आप इसका डिज़ाइन इस तरह से करना चाहते हैं तो सिंपल आपने टेक्स्ट व्यू लेकर वो इसका डिज़ाइन भी कर लेना चेंज। तो ये देख सकते हैं मैंने ऐप सेम इसी मेथड से लगाया और इसका टेक्स्ट व्यू का हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया है। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि इसका डिज़ाइन हमने किस तरह से चेंज कर लेना है। और जैसे मैं डोनेट $5 पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं टेस्ट कार्ड ऑलवेज अप्रूव मेरे पास आ रहा है, तो ये टेस्ट कार्ड उसी वक्त तो नहीं आएगा लेकिन कुछ देर बाद आता होता है। और जैसे मैं वन टैप बाय के बटन पर क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हमारे पास आ चुकी है। सॉरी आपको ये नज़र नहीं आ रहा था, मैं दोबारा से यहाँ से बाय करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट कार्ड और जैसे प्रोसेस पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। यहाँ से ऊपर से हमें एक मेल भी आ जाएगा, ये देख सकते हैं कि टेस्ट यूर ट्रेल जो कि स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100% ये वर्क कर रहा है, हमारी लाइब्रेरी भी वर्क कर रही है। ये दूसरा ऐप था और हमारे ओरिजिनल जिसमें आपने हम अब लगाया है हमने जो योगा वाले ऐप में, वो भी वर्क करेगा लेकिन 3-4 आवर बाद। तो मैं ना थोड़ा सा उसका क्लिप भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा थोड़ी देर बाद इसको ऑन करके, तो अभी ये नहीं आ रहा क्योंकि अभी अभी हमने ऐड किया तो ये टाइम लेता है। लास्ट टाइम जब हमने वीडियो स्टॉप की थी तो अप्रूव का ऑप्शन नहीं हमारे पास आ रहा था टेस्ट कार्ड का, तो मैंने कहा था तकरीबन 2 से 4 आवर्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन इसने इससे भी ज़्यादा टाइम लिया, तकरीबन इसने 10 से 20 आवर मेरे पास ले लिया, तकरीबन 10 से 15 घंटे इसने लिए। और ये मैं नेक्स्ट वीडियो इसको दोबारा बना रहा हूँ, ये हमारा ऐप है आप इसको देखते हैं। इसकी मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट व्यू पर भी काम कर लिया है, तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको टेक्स्ट व्यू को बना लिया। अगर आपने इस तरह से बनाने तो सिंपल आपने एक अलग से अपने लेआउट की फाइल बना लेनी है और XML की, उसके अंदर टेक्स्ट व्यू के अंदर बैकग्राउंड में ये वाली शेप की इमेज लगा देनी है और अपने हिसाब से हाइट विड्थ सेट करनी है, तो ये आपका इशू हो जाएगा। और अगर मैं किसी भी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखते हैं कि हमारे पास जो नीचे आ रहा है कि टेस्ट कार्ड ऑलवेज अप्रूव, हमारे पास टेस्ट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है टेस्ट कार्ड ऑलवेज डिक्लाइन स्लो टेस्ट कार्ड, तो इसका अप्रूव आ रहा है। तो जैसे ही मैं वन टैप बाय के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है और हमें ऊपर से मेल भी आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो 100% इसमें वर्क कर रही है और इसमें कोई भी इशू नहीं आ रहा। अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अपलोड करेंगे प्ले स्टोर पर, हम देखेंगे क्या ये प्ले स्टोर पर अपलोड भी हो रही है ये लाइब्रेरी, इसमें तो कोई इशू नहीं आ रहा। तो उसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।